नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, हमारे देश में भ्रष्टाचार रोजमर्रा की जिंदगी में इतना घुल चुका है कि रिश्वत देने के बाद हम उसकी कंप्लेंट तक नहीं करते। हाल ही में वर्ल्ड बैंक का एक सर्वे आया, उसमें ये पाया गया कि भारत में 52% कंपनियां ऐसी है जो रिश्वत तो देती है लेकिन कंप्लेंट नहीं करती, चुप रहती है। इसके पहले भी कई सर्वे आए जो भारत में भ्रष्टाचार होने की बात कहते हैं। EMEA फ्रॉड सर्वे 2017 के अनुसार 40 देशों में भारत का नंबर 90 स्थान पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2016 के सर्वे के अनुसार 175 देशों में 79वें स्थान पे भारत है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2017 के सर्वे के अनुसार भारत का नंबर 190 देशों में 100वें स्थान पे है। ये तमाम सर्वे बताते हैं कि भ्रष्टाचार कम करने की बात तो हम जरूर करते हैं लेकिन भ्रष्टाचार कम हो नहीं पा रहा। खबर के पीछे की खबर यह है, लोग जो रिश्वत देते हैं वो ज्यादातर सरकारी सेवाओं के लिए दी जाती है। बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, पुलिस, जमीन की रजिस्ट्री, इसमें बहुत ज्यादा पैसा लोगों को देना पड़ता है जिसके बाद ही उनका काम समय में होता है। सरकारें भले ही कहे कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है लेकिन इन तमाम सर्विसेज का कुछ समयबद्ध तरीका उनको निकालना होगा, तभी जाके भ्रष्टाचार कम हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस देश के लोगों को अपने हक के लिए लड़ना होगा। जब भी कोई रिश्वत मांगता है वो गलत है समझ के जिस दिन वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएगा शायद रिश्वत मांगने वाले मांगना बंद कर देंगे। यह है खबर के पीछे की खबर, देखते रहिए धोबी घाट।